नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्क मॉप द्वारा शुरू की गई कहानियों की इस खास मुहिम में, जहां आप सुनते हैं हर दिन नई नई प्रेरक कहानियां और उन कहानियों से लेते हैं एक नई सीख रोजाना। तो दोस्तों आइए कहानियों के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। ये कहानी है उदयपुर के रहने वाले एक शिक्षक गौरांग शर्मा की जिंदगी के बारे में। दोस्तों एक शिक्षक होने के नाते ये अपनी समस्त जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते आ रहे हैं। वर्तमान में शहर के विद्या भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक लेक्चरर के पद पर कार्यरत है। वर्ष 2012 से ये इसी कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनका मानना है कि शिक्षण एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने और सिखाने का अवसर मिलता है। जी हाँ, शिक्षा ही है जिसके जरिए समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। इस पेशे को ये सबसे अच्छा पेशा मानते हैं। अपने ताऊजी स्वर्गीय भानु कुमार जी शास्त्री को इन्होंने अपने जीवन का आदर्श माना है। उनके व्यक्तित्व, उनकी जीवन शैली से ये खासा प्रभावित हुए हैं। जीवन में उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन में कई विकट परिस्थितियों का भी डटकर मुकाबला किया, सामना किया और हमेशा आगे बढ़े और आज सफलता का ये मुकाम हासिल किया। ईश्वर के प्रति भी दोस्तों इनकी अटूट आस्था है। जी हाँ, ये अक्सर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा करते हैं और हमेशा सत मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा अपने फुर्सत के पलों में ये महापुरुषों की किताबें पढ़ना भी पसंद करते हैं। ऐसा करने से इन्हें अपने जीवन में आने वाली कई मुसीबतों से निपटने में मदद मिलती है। इसके अलावा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए ये व्यायाम भी किया करते हैं और अपने चित्त और शरीर को संतुलित बनाए रखते हैं। तो दोस्तों ये कुछ खास बातें थी गौरांग शर्मा की जिंदगी से जुड़ी। अब इनकी ये प्रेरक कहानी सुनने के लिए सीधा चलते हैं इनके पास, मिलते हैं इनसे और इनकी जिंदगी की ये दिलचस्प कहानी, प्रेरक कहानी सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम गौरांग शर्मा है और मैं विद्या भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक लेक्चरर के पोस्ट पर अपॉइंट हुआ हूँ और सन 2012 से मैं यहाँ पर एज अ लेक्चरर काम कर रहा हूँ और मैं प्रॉपर उदयपुर का ही हूँ और मैं उदयपुर में ही, अपना मकान है, मैं उदयपुर में ही रहता हूँ। हाँ, तो मेरा बचपन का कुछ हिस्सा गुजरात में भी बीता और कुछ हिस्सा उदयपुर में भी बीता, राजस्थान के अंदर, और मेरी स्कूलिंग कुछ हिस्सा गुजरात में हुआ, कुछ राजस्थान में हुआ और मेरा हायर एजुकेशन पूरा राजस्थान में उदयपुर में हुआ है। मैं बीटेक हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बैचलर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैं उदयपुर के अंदर ही रहता हूँ। उदयपुर के अंदर ही मेरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई, आदि मेरी गुजरात में हुई जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। और उदयपुर के अंदर हम कई वर्षों से रह रहे हैं और मेरी क्वालिफिकेशन यहीं पर। टीचर बनने के लिए या लेक्चरर बनने के लिए एज सच कोई स्ट्रगल तो नहीं हुआ है मेरे जीवन में, क्योंकि मैं वैसे बैचलर कंप्लीट हुआ मेरा 2012 में, जून में मेरा रिजल्ट आया और अगस्त या सितंबर में मैंने यहाँ पर इंटरव्यू दिया और यहाँ पर मेरे सिलेक्शन हो गया और मैं उसी समय से विद्या भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर कार्यरत। विद्या भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर मुझे 10 वर्ष हो चुके हैं, इस सितंबर में 10 वर्ष कंप्लीट होंगे और विद्या भवन के अंदर मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ क्योंकि मेरी स्टार्टिंग जॉब ही मेरी विद्या भवन की रही है। तो जब मैं फ्रेशर था तो मुझे और रॉ था बिल्कुल ही, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को बाकी थी। जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे मैंने बच्चों को पढ़ाया, विद्यार्थियों को पढ़ाया और जैसे जैसे मैं कलीग्स के साथ काम करता रहा, मेरे सीनियर्स के साथ मैंने काम किया और काम करना सीखा, काम करने का तरीका सीखा और उन्होंने भी बहुत अच्छे से मुझे काम करना सिखाया। तो जैसे जैसे मैं विद्या भवन के अंदर काम करता गया वैसे वैसे दिन बर दिन मुझे एक्सपीरियंस मिलता गया और मेरी एफिशिएंसी भी बढ़ती गई। तो विद्या भवन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, चाहे वो विद्यार्थी हों, विद्यार्थियों से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है मुझे रोज, हर अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी मुझे मिलते हैं। तो मैं लेक्चरर हूँ इसलिए ऐसा नहीं कि मैं ही केवल विद्यार्थियों को सिखाता हूँ, मुझे भी बहुत सारी अनोखी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे उन बच्चों से सीखने को मिली। और बात करूं मैं मेरे सीनियर्स की, मेरे कलीग्स की, उन्होंने बहुत ही मदद की मेरी और उन्होंने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया है कि जिसकी वजह से मैं आज एक सफल लेक्चरर बना हूं और इतने वर्षों से मैं विद्या भवन के अंदर
अच्छे से कार्य कर पाया। मेरे लाइफ का एक रोल मॉडल मेरे ताऊजी रहे हुए हैं, स्वर्गीय भानु कुमार जी शास्त्री, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि जिनसे मुझे दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखने को मिलता था। वे एक बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही साहसी और बहुत ही ईमानदार कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, और ऐसे व्यक्ति थे कि कोई भी निराशापूर्ण आदमी अगर उनके पास में बैठता था तो आशावान बनकर उनके पास से निकलता, और वो कार्य के प्रति जो उनकी निष्ठा, जो समर्पण, जो उनसे मुझे सीखने को मिला है वो अभूतपूर्व था। आज भी वो हमारे संसार में नहीं है हमारे बीच, लेकिन कहीं पर भी मैं फंसता हूँ तो मैं उनके बारे में विचार करता हूँ, उनके बताए गए रास्तों पर चलने का पूरा प्रयास करता हूँ। हम तो उनके धूल के बराबर भी नहीं है, तो नहीं हो सकते हैं कभी, पर पूरा प्रयास रहता है कि उनके बताए हुए रास्तों पर हम चलें। और उन्होंने जिस प्रकार से हमें मार्गदर्शन दिया, जीवन जीने का तरीका सिखाया, जीवन शैली जिस प्रकार की उनकी रही अनुशासित, जो दृढ़ निश्चय वो व्यक्तित्व थे, ऐसा किसी भी कार्य के प्रति दृढ़ निश्चय बनना और इतना आशावादी बनना कि कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव नहीं हो सकता। अगर कोई कार्य हम लेकर जाते हैं और कहते हैं कि ये कार्य बहुत असंभव है और इस जन्म में तो होना मुमकिन नहीं है, तो उनका ये बहुत ही अच्छा उत्तर आता कि अगर इस जन्म में ये कार्य नहीं हो पाता है तो वापिस हम पुनर्जन्म लेंगे और इस कार्य को पूरा करेंगे। भला कोई कैसे निराशापूर्ण हो सकता है? ऐसे वाक्यों को सुनकर हम वापिस आशावादी हो जाते हैं और हमारे कार्यों में जुट जाते हैं, और ऐसे ही कुछ आशीर्वाद उनके हमारे साथ बने हुए हैं जिसकी वजह से हम थोड़े बहुत भी कुछ इंसान बने हैं। कोविड एक वैश्विक महामारी, जब हम सभी के बीच में ऐसी वैश्विक महामारी आई तो हम सभी को एक घर में बंद करके गई। इसके बहुत सारे खराब हमारे ऊपर इफेक्ट आए, लेकिन हमें बहुत सारी बातें सिखा कर भी गया, हमें बहुत ही संवेदनशील बना के गया, हमें परिवारों को, व्यक्तियों को समझने का एक मौका दिया। हमने काफी समय ऐसी चीजों के साथ बिताया जिससे, जिसको हम ऐसे रूटीन में हम नहीं बिता पाते हैं अपना समय। तो कोविड के बहुत सारे दुष्परिणाम भी थे और बहुत सारे अच्छे परिणाम भी थे। बहुत ही दुखद समाचार आते थे आस पड़ोस से और परिवारजनों से, तो उसे बहुत दुख होता था और ऐसा लगता था कि जल्द से जल्द ये कोविड दूर हो जाए। पर परिवार में भी हमारे कई जगह पर कोविड हुआ कई लोगों को, और हमने भी बहुत संघर्ष किया, और हम तो हालांकि साथ में ही रहे, उनकी सेवा भी की, और भगवान की कृपा से वे बिल्कुल ठीक हो गए। श्री राम की कृपा रही हमारे ऊपर और हमारे घर में ऐसी कोई हानि नहीं हुई कोविड की वजह से। जरूर कोविड हुआ तो थोड़े बहुत घबराए भी उस समय पर, लेकिन ईश्वर ने हमको शक्ति दी और चुनौतियां बहुत बड़ी थी, लेकिन संकल्प उससे भी बड़ा था, इसलिए उसे पार करने में कम कठिनाई हुई, क्योंकि हमारे साथ ऐसे घर में महापुरुष थे जिनके वचनों से हम आज भी प्रेरित होते हैं, भले ही वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो उनकी बातों को बार बार मैं दोहराता रहता हूँ अपने लिए, ताकि मैं वापस ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकूं। और हमने बहुत ही अच्छे से ईश्वर की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से इस कोविड की स्थिति को पार किया, और भारत ने भी बहुत ही अच्छे से कोविड की परिस्थितियों का सामना किया, और सरकार ने भी बहुत अच्छा हमें सहयोग किया। जब मैं खाली समय में होता हूँ तो एक व्यायाम करना एक मेरा हॉबी रहा हुआ है, तो मैं व्यायाम करके मेरे शरीर को तो पुष्ट कर लेता हूँ, स्वस्थ रख लेता हूँ, और मानसिक तरीके से अपने आप को संतुलित रखने के लिए मैं ऐसे महापुरुषों के कभी किताबें पढ़ लेता हूँ, कभी उनके वचन सुन लेता हूँ, और कई बार मुझे भगवत ग्रंथ पढ़ने की भी बहुत इच्छा रहती है, मैं जिज्ञासु रहता हूँ, तो उनसे भी मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है, बहुत शौक भी रहता है मुझे उनको पढ़ने का, तो उससे भी मेरा मानसिक संतुलन बना रहता है और मानसिक स्थिति मेरी इतनी मजबूत हो जाती है उससे कि जिससे बहुत परेशानियां रहती सभी के जीवन में मैं मानता हूँ, तो उससे निपटने का एक बहुत ही अच्छा साधन मिल जाता है। तो व्यायाम से तो मैं अपने आप शारीरिक स्वस्थ रह जाता हूँ, और ऐसी किताबों को पढ़कर, ऐसे ग्रंथों को पढ़कर, ऐसे महापुरुषों के विचारों को पढ़कर मैं अपने आप को मानसिक संतुलित रखता हूँ। अगर कोई युवा पीढ़ी या कोई न्यू जनरेशन जो इस शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना चाहता है, तो मैं सर्वप्रथम एक चीज उनको कहना चाहूंगा, एक नसीहत देना चाहूंगा कि इस मानसिकता से ना आए कि हमें पैसा बनाना है, हमें बहुत अमीर बनना। अगर वे इस मानसिकता से आएंगे कि
हमें बच्चों में शिक्षा प्रदान करनी है और जो ज्ञान हमने लिया है उस ज्ञान को प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाना है। और ये शिक्षा का कार्य सबसे अच्छा कार्य है और इस शिक्षा के कार्य से हम हमारे समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, हम हमारे भारत को मजबूत बना सकते हैं। और जब हमारे मन में इस प्रकार का विचार होगा तो मैं सही में कहता हूँ उन सभी युवा पीढ़ी को कि पैसा एक बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में आपके पास अपने आप चला आ जाएगा, क्योंकि आपकी लोकप्रियता उन विद्यार्थियों के बीच में इतनी बढ़ चुकी होगी कि पैसा अपने आप आएगा। पैसा कोई मायने नहीं रखता है मेरे हिसाब से। जीवन में आपकी सोच, आपकी विचारधारा और आपका जो भी प्रोफेशन है उस प्रोफेशन के प्रति समर्पण और कर्मनिष्ठता, जो निष्ठा से आप अगर आप उसको करते हैं, पूरा करते हैं मन से, तो मुझे लगता है कि वहां पर पैसा कोई मायने नहीं रखता है और पैसा एक बाय प्रोडक्ट के रूप में आपके पास स्वतः ही चला आ जाता है और आपकी ऐसी तिजोरियां भरती जाती है। आप केवल कार्य करते जाओ और वो भी ईमानदारी से, अपने आप से ईमानदार रहना है और अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा से, समर्पित भाव से विद्यार्थियों का किस प्रकार से भला हो, किस प्रकार से विद्यार्थियों की सोच बदलनी है जिससे हमारा समाज मजबूत बने, हमारा देश मजबूत बने और अशिक्षा इस समाज से दूर हो जाए, जो सबसे बड़ा कारण बनता है कई जगह पर लड़ाई का, युद्ध का। तो ये एक बहुत बड़ा रहेगा अगर वो ऐसी मानसिकता बनाकर अगर इस क्षेत्र में अमर आते हैं तो वे बहुत ही सफल लेक्चरर या सफल टीचर के रूप में उभरेंगे, ऐसा मेरा मानना। सामान्य तौर पर मैं सभी को एक ऐसे मैसेज देना चाहूंगा, से तो सभी लोग जानकार हैं, मैं कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं जो आप सभी को सिखा सकूं, लेकिन फिर भी आपने मुझे मौका दिया है तो मैं जरूर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। हमें ये विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से हम आज के जीवन को अच्छा बना सकें, जीवन स्तर को अच्छा बना सकें और समाज के अंदर जो कुरीतियां बढ़ रही हैं, जो गलत प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, जो विकार बढ़ रहे हैं, उसको आप अपने लेवल पर, अपने स्तर पर किस प्रकार से रोक, अगर उस और हमारा ध्यान आकर्षित किया जाए तो हमें बहुत अच्छा रहेगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, कई हम रास्ते पर सड़क पर जाते हैं और किसी का एक्सीडेंट होता हुआ देखते हैं तो आजकल मुझे कई दृश्य ऐसे दिखते हैं जो वीडियो बनाते हुए रहते हैं और उसकी मदद नहीं करते हैं, पहले उसकी वीडियो बनाते हैं, व्हाट्सएप पे वायरल करते हैं और फिर हंसी ठिठोली करते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। इस भावना से हमें बचना चाहिए और हमें उसकी मदद करनी चाहिए ऐसे लोगों की, समाज के अंदर जो ऐसे वर्ग हैं जो मुश्किली में हैं। अगर आप अच्छी स्थिति में हो तो आपको उसे अच्छा करना चाहिए, उसे मदद करनी चाहिए। जैसे अब्दुल कलाम का बहुत ही अच्छा वाक्य है कि हैंडसम वही होता है जो दूसरे को अपना हाथ दे सके, यू शुड गिव योर हैंड टू समवन फॉर योर हेल्प। तो वो एक मदद का भाव एक समाज के प्रत्येक नागरिक में कैसे जागृत हो, इस और मैं सभी का ध्यान आकर्षित करूंगा। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि आज के जीवन में भ्रष्टाचार जो है वो राष्ट्रीय रोग बन के उभरा है। हम कभी भी कहीं पर जाते हैं तो कहते हैं कि आप इसको नौकरी दे दो, इसके पास ये ईमानदार है। तो ईमानदार एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के तौर पर नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी तो उसके अंदर निहित होनी चाहिए, ये कोई एक अलग से कोई गुण नहीं है। तो ऐसी बातें मुझे बहुत प्रेरित करती हैं जब मैं सुनता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो दूसरे भाई बंधु हैं, भाई बहने हैं, उनके अंदर भी ऐसी भावनाएं जागृत हों जिससे हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज का मदद होगी और समाज हमारा बहुत ही मजबूत बनेगा और समाज मजबूत बनेगा तो भारत मजबूत बनेगा जिसमें हम रह रहे हैं। और बस मैं इसी वाक्यों से मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस और अगर आप देखना चाहते हैं तो WorkMob ऐप डाउनलोड करें, आपको ऐसी कई मोटिवेशनल वीडियोस वहां पर देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, आप सुन रहे थे गौरांग शर्मा की जिंदगी की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज रोजाना सुनने के लिए
आप जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। वर्क मॉब आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका अपने विचारों को व्यक्त करने का, अनुभवों को साझा करने का और जीवन की कहानी देशवासियों तक पहुंचाने का। तो सुनाइए अपनी कहानी और ले आइए लोगों के जीवन में आशा की एक नई किरण। लेट्स इंस्पायर टुगेदर, वी कैन, इंडिया कैन। दोस्तों, आपकी कहानी में ताकत है दुनिया बदलने की, लोगों की सोच आगे बढ़ाने की। तो सुनाइए अपनी कहानी और ले आइए लोगों के जीवन में आशा की एक नई किरण। कीजिए सभी को इंस्पायर। फिलहाल वक्त तो चला है आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन बहुत जल्द एक बार फिर होंगे हाजिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए कहानियों का हमारा ये खास कार्यक्रम और लीजिए हर नई कहानी से हर दिन एक नई और सच्ची प्रेरणा। नमस्कार।